अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे। तो आज मैं पालक और दाल, चने की दाल के रूप में बना रही हूँ। और ये जो अभी अभी लड़कियाँ बेटियाँ हमारी हांडी पकाना सीख रही हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं, तो आसान भी है। और पालक में आयरन होती है, ये सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, तो ये खानी चाहिए बच्चों को। तो ये दाल जो ली है मैंने 250 ग्राम है, और एक बड़ा टमाटर है वो काट के रख लिया है, 3 अदद हरी मिर्चें हैं वो काट के रख ली हैं, और ये एक टुकड़ा था इसके मैंने 3 पीस कर लिए हैं अदरक के, और प्याज है एक मीडियम साइज, और मसालों में हल्दी और हरी ये लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, और कटा हुआ धनिया पिसा हुआ खुश्क धनिया, और ये 1 टीस्पून जो है ये भर के नमक है। तो सिर्फ ये 3 ही मसाले इसमें जाएंगे, मसाला इसमें डाल लेते हैं। अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए पालक में बॉइल हो गई है, अब मैं इसमें निकाल लेती हूँ। ये 1 किलो पालक, मैंने अभी हांडी से रख ली है छोटा चला लिया, इसमें डाल रही हूँ। अब ये जो मसाला पीस के रखा था वो शामिल कर दिया। ये मसाला अच्छी तरह भुनी है, और जितना अच्छा मसाला बना होगा उतनी अच्छी अच्छा टेस्ट इसका आएगा। तो मैं अब पानी डालती हूँ, ये देखें पानी, ये 2 गिलास पानी ये मैं इसमें डाल देती हूँ, साथ ही मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। दाल जब हाफ डन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें पालक पीस के फिर डालूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलें फिर मिलते हैं, इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। व्यूअर्स, मैं अभी ये जो पालक है वो पीसने लगी हूँ, दाल रखी हुई थी वो हाफ डन हो गई है, तो अब मैं इसमें इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अभी देखा हाफ डन हो गई है अभी दाल, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो मैं इसमें अभी ये पालक पीस ली है तो ये मैं डालती हूँ। बस इसको ऐसे हिला के अभी छोड़ देंगे पकने के लिए, जब तैयार होती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ।